अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं एक बहुत ही मज़े का थ्योरम डिस्कस करूँगा कि लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है एक्स का। देन फिर आपने प्रूव करना है कि फ्रंटायर ऑफ ए यानी बाउंड्री ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है कि एक चीज़ लेंगे दूसरी प्रूव करेंगे। अगर मैं फ्रंट टायर को एम्प्टी सेट लेता हूँ तो मुझे प्रूव करना होगा कि ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज, और अगर मैं लेता हूँ कि ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज हैं तो फिर मुझे प्रूव करना होगा कि फ्रंट टायर ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स हैं वो बताना चाहता हूँ, आप उनको याद कर लें। अगर आपको वो याद हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है इसको प्रूव करना। ठीक है, आपको देखते ही प्रूव करना आ जाएगा, मुश्किल ही नहीं होगी। हाँ जी, तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इंटीरियर ऑफ ए, इससे पिछले लेक्चर में मैंने इसको प्रूव भी किया था कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस फ्रंट टायर ऑफ ए। यानी अगर सेट ए में से उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स निकाल दें तो आपके पास इंटीरियर ऑफ ए आता है। ठीक है, और क्लोजर ऑफ ए क्या आता था, ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए। यानी ए में अगर सारे उस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल कर दें, उनका यूनियन ले लें, तो जो सेट आएगा वो क्लोजर ऑफ ए के इक्वल होगा। तो ये रिज़ल्ट भी आपको याद है। ठीक है, याद आ गया होगा। और इससे पहले हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी कि इनके हमने क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ए इज़ क्लोज्ड, ए क्लोज्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। ठीक हो गया, अगर ए क्लोज्ड है तो क्लोजर ऑफ ए एक इक्वल होगा। अगर क्लोजर ऑफ ए एक इक्वल आता है तो इसका मतलब है वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, यानी जिस सेट का क्लोजर उसी सेट के इक्वल आ गया वो सेट क्लोज्ड होता है। और ओपन के बारे में भी पढ़ा था कि अगर ए ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए, ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। अगर ए ओपन है तो इसका मतलब है उसका इंटीरियर उसी के इक्वल आएगा, और अगर ऐसा सेट जिसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल हो तो इट मीन्स वो जो सेट होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चार फार्मूलाज हैं, ये चार रिज़ल्ट हैं, इनको याद करें, बस इसी से हमारा प्रूव हो जाना है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। जी, तो प्रूव करना है कि फ्रंटायर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ ए इज़ बोथ है ओपन एंड क्लोज। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि फ्रंटायर ऑफ ए जो है ना वो एम्प्टी सेट है। ठीक हो गया, अब मुझे क्या प्रूव करना होगा, मुझे प्रूव करना होगा कि ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज। नो, वी आर टू प्रूव डैट। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज। ठीक हो गया। चलें जी, आपको पता है, वी नो डैट, आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है। जी, इंटीरियर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए माइनस फ्रंट टायर ऑफ ए। ठीक है, पीछे हमने इसको प्रूव भी किया है। और क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए। ठीक हो गया। अब जरा देखें आपको गिवन क्या है, गिवन है कि फ्रंट टायर ऑफ ए एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट है, तो यहां पर भी एम्प्टी सेट पुट कर दें। ठीक है, यहां पर भी एम्प्टी, तो ये आ जाएगा ए माइनस एम्प्टी, तो ए माइनस एम्प्टी इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए आ जाएगा, ए माइनस एम टी ए सेट आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि अगर के जिस सेट का इंटीरियर उसी सेट के इक्वल आ जाए इट मीन्स वो क्या होता है, इट मीन्स ए इज़ ओपन। तो मेरे पास आ गया ए इज़ ओपन। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब इसकी तरफ आते हैं, क्लोजर ऑफ ए ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए, तो फ्रंट टायर ऑफ ए आपका एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसकी जगह एम्प्टी सेट आ जाएगा, तो ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। तो और आपको पता है कि ऐसा सेट जिसका आप क्लोजर लें और वो उसी सेट के इक्वल आ जाए तो इट मीन वो सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ क्लोज्ड। तो प्रूव हो गया,
इज ओपन, ए इज क्लोज्ड। तो इन दोनों के से रिजल्ट से हमें क्या आया, हैंस ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है ना, मजे का। चलें जी, अब हम इसके उलट चलते हैं। पहले मैंने लिया फ्रंट टायर ऑफ ए एम्प्टी सेट और प्रूव किया कि ए एंड बी, ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज। अब मैं इसके उलट चलता हूँ, मैं लेता हूँ लेट ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज एंड वी आर टू प्रूव दैट कि फ्रंट टायर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। चलें जी, आ जाएं जी, कोई मसला नहीं है। लेट ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज, ठीक हो गया। देन फिर बाय थ्योरम क्या कहता है, ए ओपन कब होता है, जब ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो ए इज क्लोज कब होता है, इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। और ए इज ओपन कब होगा, जब इंटीरियर उसका उसी के इक्वल होगा। अब यहां पर देखें, मेरा सेट है ए इज बोथ ओपन भी है और क्लोज भी है। तो ए इज क्लोज हो तो कब होता है, जब ए का ए क्लोज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर ऑफ ए एक इक्वल है और ए ओपन भी है, तो इसका मतलब इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए है। अब इन दोनों को कंपेयर तो करें, ठीक है, इन दोनों से कंपेयर करें तो ये है राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। तो इससे मेरे पास रिजल्ट आ गया कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए, ठीक हो गया। ये दोनों इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ए क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, तो ए दोनों इक्वल हैं। और हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है, ए माइनस फ्रंट टायर ऑफ ए, और क्लोजर ऑफ ए क्या होता है, ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए, ठीक है। तो ये मेरे पास रिजल्ट है, इसकी जगह ये आ जाएगा, पुट कर दें, इसकी जगह ये पुट कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है और ये क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए। हाँ जी बच्चों, समझ आ रही है ना, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने। चलें जी, बहुत आसान है। चलें, अब कहते हैं, अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, कहता है ए में से माइनस करें फ्रंट टायर ऑफ ए, उसका आंसर इक्वल आता है ए यूनियन फ्रंट टायर ऑफ ए, ठीक है। कहता है कि अगर ए में मैं फ्रंट टायर ऑफ ए को ऐड कर दूं, ठीक है, उसका आंसर इक्वल आता है ए में मैं माइनस कर दूं फ्रंट टायर ऑफ ए सेट को, ठीक है। तो आप देखने के कहते हैं एक सेट में से दूसरा सेट माइनस कर रहा हूं और एक सेट में दूसरा सेट को ऐड कर रहा हूं, यूनियन ले रहा हूं, तो आंसर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल कब होगा, जब फ्रंट टायर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट होगा, ऐसे ही है ना, कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, कि ए में से माइनस कर दिया फ्रंट टायर ऑफ ए, एक सेट में से माइनस कर रहे हैं दूसरा सेट, वो इक्वल आ रहा है कि ए सेट में यूनियन कर रहे हैं दूसरे सेट को। यूनियन लेने से और डिफरेंस लेने से आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि फ्रंट टायर ऑफ ए और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एम्प्टी सेट ही है, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब फ्रंट टायर ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो यही तो हमने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। तो देखने बच्चों, कितना आसान था, मज़े का सवाल था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कहीं पर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।